जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सुधी श्रोताओं का स्वागत है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। आप सभी प्रेमी लोगों को, सभी भक्तों को, सभी वैष्णव जनों को एवं सभी पूरे भारत वर्ष और जितने भी लोग ये सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज सुबह 9 बजे अष्टमी तिथि आई है और कल 12 तारीख तक सुबह 9 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो बहुत से लोग आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं, बहुत से लोग कल भी जन्माष्टमी मनाएंगे और बिहारी जी में कल ही जन्माष्टमी रखी जाएगी। तो यदि आपकी इच्छा है तो आप आज भी मना सकते हैं, क्योंकि आज भी अष्टमी तिथि रहेगी और कल भी अष्टमी तिथि सुबह 9 बजे तक है। पर बहुत से लोग उदय तिथि में भी उदय तिथि की तिथि मानते हैं, तो जो उदय तिथि की तिथि मानते हैं वो कल ही मनाए, 12 तारीख को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाए। एक बार मैं आप सबको फिर से नंदलाला के जन्मदिन की, कन्हैया के जन्मदिन की, कन्हैया के जन्मोत्सव की, प्राकटोत्सव की आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। अब मैं आपको आज का उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए, आज का जो उपाय है वो आपका उपाय आज का तिजोरियां भर देगा, क्योंकि जब भगवान का जन्म होता है तो लोगों की तिजोरियां भर जाती है। कहते नहीं, हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। जब सबको भगवान ने लुटाया खूब सारा धन, तो आपकी तिजोरियां भी भगवान भर देंगे। इसलिए आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, उस उपाय से आप अपनी तिजोरियां भर सकते हैं। जो तिजोरियां आपकी अभी तक खाली थी, और कोरोना काल में सबके धंधे चौपट हो गए थे, तो तिजोरियों में जितना धन पहले से भरा हुआ था वो भी धन कम हो गया। पर आज का मैं जो आपको उपाय बताने जाऊंगा, उस उपाय को करने के बाद से आपकी खाली तिजोरियां नोटों से भर जाएंगी, धन से भर जाएंगी, सोने चांदी से भर जाएंगी, हीरे जवाहरात से भर जाएंगी। आप पूरे मन से इस उपाय करिए, बहुत ही सरल छोटा छोटा उपाय है, क्योंकि धन की आवश्यकता किसे नहीं है। सभी चाहते हैं कि हमारे पास धन हो, और बिना धन के कुछ होता भी नहीं है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, धन से परेशान हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं ऐसा उपाय बताऊं कि उनकी तिजोरियां भर जाएं। जिनके घर में तिजोरी है, पुरानी पुस्तैनी तिजोरियां बहुत से घर में होती हैं, वो लोग ये उपाय अपनी उस तिजोरी करेंगे। और जिन लोगों के घर में तिजोरी नहीं है, तो वो लोग ये उपाय वहां करेंगे जहां वो अपना धन रखते हैं, किसी अलमारी में या सेफ में जो तिजोरी सी बनी होती है, कहीं भी जहां अपना धन रखते हैं वहां पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब मैं तीन चार उपाय बताऊंगा, तीन चार उपायों का बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला उपाय आपको क्या करना है। सबसे पहला उपाय है कि आपने देखा होगा, जब हम किसी पूजा करते हैं अपने घर में तो सुपारी लेते हैं, सुपारी में हम लोग कलावा बांधते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो आपने देखा होगा वो क्या ना, गणेश और लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है सुपारियां। तो उन सुपारी को, जो पूजा की सुपारी है, उनमें कलावा बांध के अक्षत रोली सारी कुछ पूजन करके, अक्षत चढ़ा के, रोली चढ़ा के, हल्दी चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के, धूप दीप करके, उन सुपारियों को, पूजित सुपारियों को आपको अपने धन की जगह पर रखना है, या फिर जहां पे आपकी तिजोरी है वहां पर रख ली, जहां पे भी आप अपना धन रखते हो। पहला उपाय तो हो गया, क्योंकि गणेश जी क्या, बुद्धि के देवता है, और जहां बुद्धि की देवता गणेश जी की कृपा होती है, तो माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही होती है। अब दूसरा उपाय को क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन आपको एक पीला कपड़ा लेना है कोरा। उस पीले कोरे कपड़े में आपको 5 कौड़ियां लेनी है। 5 कौड़ी जानते हैं, व्हाइट कलर की होती हैं कौड़ी, आपको मार्केट में मिल जाएंगी। 5 कौड़ी लेनी है। केसर लेना है, शुद्ध कश्मीरी केसर लेना आपको, ऐसा कोई केसर नहीं लेना है मिलावट वाला, शुद्ध कश्मीरी केसर लीजिए। उसके बाद चांदी के सिक्का, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, जितना भी 1 सिक्का तो आपको लेना ही लेना है, 1 सिक्का ले लीजिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्दी की गांठ ले लेनी है, 1-2 हल्दी की गांठ ले लीजिए। और इन सारी सामग्री को आपको क्या करना है, वो पीले कपड़े में बांध करके शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि भाई माता लक्ष्मी, हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं और ये सामग्री तिजोरी में रख रहे हैं, आप धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, आप ऐसी कृपा करें कि आपकी कृपा से हमारी तिजोरी भर जाए। तो कपड़ा आपको अपने, जहां भी आपका धन, जिनके पास तिजोरियां हैं वो तिजोरी के अंदर रख दें, जिनके पास तिजोरी नहीं है जहां पर भी वो अपना धन रखते हैं वहां पे कपड़ा रखते हैं। तीसरा उपाय क्या है कि आपको क्या करना है, 10-10 की गड्डियां, जिनके पास तिजोरी है 10-10 की गड्डी वो अवश्य अपने तिजोरी वाले स्थान पर अवश्य रखें। 10 की गड्डी आती है पूरी पैक, आपको बैंक से मिल जाएगी, नहीं तो जहां लोग नोट बदलने वाले होते हैं वहां पे आपको 10 की गड्डी प्राप्त हो जाएगी। 10 की गड्डी को थोड़ा पूजन कर दीजिए, ऊपर का जो नोट होता है थोड़ा सा साथिया बना दीजिए,
ओम लिख दीजिए, पूजन करके वो 10वीं घंटी आपने तिजोरी में रख दीजिए, और कुछ पीतल के और तांबे के सिक्के ये भी आपको अवश्य रखने हैं। ध्यान रखिए, कुछ पीतल के और तांबे के सिक्के ये भी आप उन गड्डियों के साथ अवश्य रखें। अब मैं जो चौथा उपाय बताने जा रहा हूं उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये उपाय आपको शनिवार वाले दिन करना है और 5 शनिवार तक करना है। यदि आपने उपाय कर लिया तो निश्चित ही जिनकी तिजोरी जन्म से ही खाली थी, उन्हें कभी अपनी तिजोरी भरी ही नहीं देखी, ऐसे लोगों की भी तिजोरियां भर जाएंगी। और एक उपाय जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं सब अनुभव किया हुआ उपाय है, बहुत से लोगों को मैंने बताया है उपाय, पहले भी लोगों ने किए हैं, उन्हें उसका फायदा हुआ है। पर देखिए, फायदा के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब मैं जो आखिरी उपाय बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान सुनिए। आपको शनिवार को क्या करना है, पीपल का पत्ता लाना है, बिल्कुल फ्रेश पत्ता हो, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज पत्ता हो, कहीं से टूटा फूटा ना हो, गंदा ना हो, बिल्कुल उसे धुल लीजिए। उसके बाद उसमें घी से घी लेके आपको क्या करना है, घी और सिंदूर लेके लाल वाला जो होती है ना उससे घी से मिला करके उसमें ओम लिख देना है पत्ते में, और ओम लिख करके आपको वो पत्ता रख देना है तिजोरी के अंदर। ऐसा आपको 5 शनिवार तक लगातार करना है, ऐसे 5 पत्ते आपकी तिजोरी में पीपल के हो जाएंगे। ये उपाय आप 4 उपाय कर लीजिए। जो भी उपाय करें पूर्ण श्रद्धा से करें, पूर्ण विश्वास से करें, स्वच्छता का बड़ा पालन करें। उपाय करते समय आप स्वच्छ हो, आपके वस्त्र स्वच्छ हो, आपका मन स्वच्छ हो, आपका तन स्वच्छ हो, आपका हृदय स्वच्छ हो, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी या एक भी उपाय काम नहीं करेगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप ये उपाय जो मैंने बताए उपाय आप कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि आप उपाय सब एक बार में ही कर लें, आप धीमे धीमे करके एक उपाय करिए, निश्चित ही आपको पूर्ण लाभ होगा इन उपायों से। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और कन्हैया जी का जन्म मनाएं, क्योंकि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और कन्हैया जी आप लोगों के ऊपर खूब कृपा बरसाएं, खूब धन दें, खूब संपदा दें, खूब अच्छा आप लोगों का स्वास्थ्य रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राधे।